को लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, तो बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक जारी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद। बैठक में बची हुई सीटों पर मंथन। बैठक में हरियाणा की सीटों पर चर्चा संभव। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। दिल्ली से बड़ी खबर है, बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक जारी। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद है इस बैठक में, और इस बैठक में बची हुई सीटों पर मंथन हो रहा है। बैठक में हरियाणा की सीटों पर चर्चा संभव। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, बीजेपी चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक जारी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, जानकारी आपसे चाहेंगे, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है बीजेपी की जो बैठक चल रही है उस पर? राष्ट्रीय केंद्र चुनाव समिति की भाजपा की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद है, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद है। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे थे और उनके पहुंचते ये जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हरियाणा को लेकर, तो देखिए हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद नहीं है, अध्यक्ष मौजूद नहीं है, प्रभारी मौजूद नहीं है। तो क्या सीटों को लेकर चर्चा होगी या नहीं होगी वह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता राष्ट्रीय। मगर देखिए आज दोपहर में जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला है उन्होंने मुलाकात की है अध्यक्ष जेपी नड्डा से, तो संभवतः इन चीजों को लेकर आज जो सीईसी के चुनाव केंद्र चुनाव समिति की जो बैठक हो रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह जो मुद्दा है वो रखा जा सकता है। तो संभवतः अलायंस को लेकर, गठबंधन को लेकर जो चर्चा इस बैठक में की जा सकती है। अब देखिए संभवतः कल तक ये अटकलें लगाई जा रही थी, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही थी कि आज जब केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी, यानी भाजपा की जो दूसरी केंद्र चुनाव समिति की बैठक आज हो रही है भाजपा कार्यालय में, इसमें हरियाणा को लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि बीते दिन हमने देखा था कि भाजपा की हरियाणा को लेकर भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई थी, प्रदेश के स्तर पर भी बैठकें हुई थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के दौरे भी लगाए थे, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, तमाम सीटों को लेकर, सभी 10 सीटों को लेकर चर्चा की गई थी। अब संभवतः देखिए दुष्यंत चौटाला की मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से, तो संभवतः इन चीजों को लेकर जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है। और साथ ही देखिए ये हम कह सकते हैं कि जो बृजेंद्र सिंह है उन्होंने भी कल कांग्रेस का दमन थामा है, भाजपा को छोड़कर वो कांग्रेस में जुड़े हैं, तो इसका भी असर शायद, इसकी वजह से आज शायद हरियाणा को लेकर चर्चा जो सीटों को लेकर शायद नहीं हुई है, क्योंकि कुछ और चर्चाएं होनी बाकी है, मंथन होने बाकी हैं इन चीजों को लेकर। तो संभवतः हरियाणा को लेकर शायद हमें और इंतजार करना पड़ेगा। अब दूसरी जो सूची भाजपा की आएगी उसमें हरियाणा को लेकर नाम होगा या नहीं होगा ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता राष्ट्रीय। बिल्कुल अपराजिता, इस पर नजर बनाए रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर से बता दें, बीजेपी की बैठक चल रही है, बैठक शुरू हो गई है, बीजेपी चुनाव समिति की तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं, हरियाणा को लेकर चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है।